हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार शुक्ला और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स। आज से मैं आपका मैथ्स फैकल्टी रहूंगा। तो मैं आज आपको सबसे पहला टॉपिक जो बताने वाला हूँ वो आपके सभी सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, जो BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। आप सभी ने देखा होगा लीनियर इक्वेशन। जितने भी आप मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, आपने ये जरूर एक शब्द सुना होगा लीनियर इक्वेशंस, या सिंपली मैं कहूं केवल इक्वेशंस। इक्वेशंस किसी भी इक्वेशन के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो देखिए, इक्वेशन के लिए उसके दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। बीच में इक्वल्स टू का निशान होता है। उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जिन्हें हम किससे दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। और उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स आप अच्छे से जानते हैं, 1, 2, 3, जिनकी वैल्यूज चेंज ना हो। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, एक इक्वेशंस को जन्म देती हैं, एक इक्वेशंस बनाती हैं। इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में अंतर क्या होता है ये देखिए। इक्वेशंस में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है इक्वल्स टू का निशान, लेकिन इन इक्वेशंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। जिस भी इक्वेशन में ये चार तरह के साइन पाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। बाकी उसमें बिल्कुल इक्वेशंस के जैसे वेरिएबल भी रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स भी रहेंगे और कॉफिशियंट्स भी रहेंगे, लेकिन बस क्या रहेगा, इक्वल्स टू की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो अब आइए देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें और एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं आप लोगों को बता दूं, उसका नाम है इंटरवल, जो हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। आइए देखें क्या होता है इंटरवल्स। आप सभी ने बचपन में ही पढ़ा हुआ है रियल लाइन क्या होती है, ठीक। रियल लाइन एक आपने बचपन में एक रियल लाइन पढ़ी है जहां बीच में जीरो, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू प्लस का इन्फिनिटी, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी। दिस इज टर्म्ड एज रियल लाइन, सिंपली कॉल्ड इसे रियल लाइन कहा जाता है। हमारे जितने भी नंबर हैं, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, उन सबको रियल नंबर्स कहा जाता है और उसे इस लाइन में दर्शाया जाता है, और यही क्या कहलाती है, रियल लाइन। इसी रियल लाइन को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे क्या कहा जाने लगा, इंटरवल्स। कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर पार्ट्स। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा ओपन क्लोज्ड इंटरवल, और चौथा और आखिरी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। हिंदी में इन्हें अंतराल कहा जाता है, इंटरवल को अंतराल कहा जाता है, यानी कि कुछ कुछ समय के बाद। तो अब ये चार तरह के पार्ट्स को ये रियल लाइन कंटेन करता है। कौन कौन सा? एक ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इनको दर्शाने का तरीका क्या होता है? ओपन इंटरवल को इस तरीके के ब्रैकेट्स में दर्शाया जाता है, कभी कभी इस तरीके से भी दर्शाया जाता है। क्लोज्ड इंटरवल को बिल्कुल क्लोज्ड कर दिया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ओपन क्लोज्ड, देखिए पहले कौन सा नाम आ रहा है, ओपन। ओपन में हम कैसा साइन लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, तो ये आ गया ओपन इंटरवल और इस तरफ से क्लोज्ड। और यहां पे क्लोज्ड यानी कि पहले यहां पे स्क्वायर तरफ आएगा और इस तरफ सिलेंड्रिकल। ये चार तरीके हैं जो चार पार्ट्स हैं इंटरवल के। यही इंटरवल हमें आगे फंक्शंस, जब हम फंक्शंस पे आएंगे, लोग बाग जनरली फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन हम फंक्शंस को बाद में पढ़ें। क्यों? क्योंकि फंक्शन में एक टॉपिक होता है डोमेन रेंज निकालना। डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें चार इंटरवल से डील करना आना चाहिए। कौन कौन सा? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अच्छा, इन इंटरवल में खासियत क्या होती है, इनमें दो एलिमेंट्स होते हैं, ए बी, ए बी, ए बी।
और इन चारों में ही एक जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ए इज ऑलवेज लेस देन बी। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना ही चाहिए। दिस इज द कंडीशन। जैसे कि यदि कोई बोले कि ओपन इंटरवल 1, 2, तो देखिए पहला वाला एलिमेंट क्या है, छोटा है दूसरे वाले एलिमेंट से। आप कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2, 1, नो दिस इज रॉन्ग। सो प्लीज ये कंडीशन याद रखिएगा कि इंटरवल में जो भी होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा छोटा होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा उससे बड़ा होगा। इंटरवल्स की ये चार कंडीशन को डिफाइन करने के तरीके क्या होते हैं आइए देखें, उसके बाद फिर हम लीनियर इक्वेशंस के इन इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखें, सबसे पहले हमने डिफाइन क्या करना है, ओपन इंटरवल। मैं शॉर्टकट में अब आई लिखूंगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, यदि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी और कोई एक हमने एलिमेंट चुन लिया है एक्स, तो एक्स किन दो बीचों के एलिमेंट्स के बीच में रहेगा, ए और बी। यानी कि जो हमारा एक्स रहेगा कोई भी वो हो सकता है, नंबर 1, 2, 3, 4 या कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, उसकी वैल्यू किन दो के बीच में रहेगी, ए और बी। ए और बी भी वहां पे कोई ना कोई से नंबर होंगे। यह है ओपन इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा होगा, ए इज लेस देन एक्स, यानी कि जो एक्स है वो ए से बड़ा है, एंड एक्स इज लेस देन बी, यानी कि एक्स बी से छोटा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए और बी इंटरवल की वैल्यूज में शामिल नहीं किए जाते। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि 1, 2, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स यदि इसमें है, एक्स यदि इस इंटरवल में है, तो एक्स की वैल्यू 1 और 2 को छोड़ के उसके बीच की सारी होंगी। यानी कि मैं नंबर लाइन यदि बनाऊं, यदि मान लीजिए यहां पे 1 है यहां पे 2 है, तो ये जितनी भी यहां पे वैल्यूज होंगी डेसिमल में, ये सारी किसकी वैल्यूज होंगी, एक्स की होंगी, लेकिन उसमें 1 और 2 शामिल नहीं होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल। अब मैं यहीं पे डिफाइन कर दूं यदि क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम कैसे दर्शाते हैं कि यदि कोई एलिमेंट है एक्स तो वो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में रहेगा, जैसे ऊपर ए और बी के बीच में था वैसे यहां पे रहेगा। लेकिन हम यहां पे कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी लेकिन ए के बराबर भी होगी, वैसे ही एक्स की वैल्यू बी से छोटी होगी लेकिन बी के बराबर भी होगी। यदि मैं इसका नंबर लाइन में बनाऊं, यदि यहां पे ए है और यहां पे बी है, तो ए को भी मुझे इंक्लूड करना होगा, मुझे बी को भी इंक्लूड करना होगा, और मुझे ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी उन सबको इसमें इंक्लूड करना होगा। तो यही होता है ओपन इंटरवल और ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। बाकी बचे हुए दो इंटरवल भी बिल्कुल सेम एज इट इज होते हैं, बस ये कि यदि पहला वाला जो तीसरा वाला इंटरवल है यदि आप देखेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो मतलब क्या होगा, शुरू का जो इंटरवल होगा वो ओपन होगा और जो लास्ट का होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड। ओपन इंटरवल में हम वैल्यूज को शामिल नहीं करते, यानी कि ऐसा वाला साइन, और क्लोज्ड इंटरवल में हम वैल्यूज को शामिल करते हैं, और बीच में हमारा कौन है, जिसकी वैल्यू लाई हो रही है, बीच में ए और बी के बीच में उसकी वैल्यू लाई हो रही है। यदि मैं ये फिर से नंबर लाइन बनाऊं, तो यदि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो मैं ऐसा बना सकता हूं, यहाँ पे देखिए ब्लैंक सर्कल बना दे रहा हूं और यहाँ पे डार्क, डार्क का मतलब बी इंक्लूड है, एक्स की सारी वैल्यूज इनके बीच में, ए इंक्लूड नहीं है, इसलिए ब्लैंक सर्कल। डार्क सर्कल ये बता रहा है कि बी तक सारी वैल्यूज इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये वाला कौन सा था, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये वाला कौन सा है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है इस तरफ क्लोज्ड इस तरफ ओपन, ए और बी जिस तरफ ओपन रहता है उस तरफ की वैल्यू को शामिल नहीं करते, जिस तरफ क्लोज रहता है उस तरफ की वैल्यू उसको शामिल करते हैं, बीच में हमारा जो भी फंक्शन होगा या जो भी कोई मटेरियल होगा वो लाई करेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यदि देखें यहां पे यदि ए है यहां पे यदि बी है, तो हमें ए को तो इंक्लूड करना है और ए के बाद की सारी वैल्यूज इंक्लूड रहेंगी, लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना, तो
हम उसे ब्लैंक सर्कल से दर्शा देंगे। राइट का मतलब ए इंक्लूड है, क्रॉस का मतलब बी इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गए हमारे चार तरह के इंटरवल जो अब हमारी मदद करेंगे इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आइए देखें क्वेश्चंस, तीन चार क्वेश्चंस करा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन चारों इंटरवल के साथ डील कैसे किया जाए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका भी मैं साथ में बताता जाऊंगा कि क्या करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 5x-15 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा ग्रेटर देन, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो चीज बड़ी होती है। तो आइए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हमेशा सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन 5x, कोई हमें हमेशा x की वैल्यू निकालनी होती है कि x किन के बीच में लाई कर रहा है, किन इंटरवल्स के बीच में लाई कर रहा है। उसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम देखिए माइनस 15 का हमें यहाँ पे कोई रोल नहीं था, माइनस 15 को उस तरफ भेजेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस का 15। याद रखिएगा जब भी इज इक्वल टू के उस तरफ या इस तरफ लाते हैं तो साइन चेंज करना अनिवार्य है। हमने 15 को उधर भेजा। अब देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। x के साथ जो भी वेरिएबल होगा पूरी की पूरी आप इन इक्वेशंस को उसके डिवाइड कर दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, 5x डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल x ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 5 से 15 काटेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई कि x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है और 3 के बराबर भी है। यदि मैं नंबर लाइन देखूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं नंबर लाइन देखूं यहाँ पे मैंने बनाया 0, 1, 2, 3। ध्यान से देखिए x कहां से कहां तक जा रहा है, x हमारा कहां पे है, 3 का है, और मैं इसे डार्क कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि 3 भी इंक्लूडेड है, इज इक्वल टू का साइन बना हुआ है तो मतलब इंक्लूडेड है। 3 से बड़ी वैल्यूज, 3 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा कौन होता है, 4, और कौन बड़ा होता है, 5, और कौन बड़ा होता है, 6। ऐसे करते करते मैं कहां तक चला जाऊंगा, प्लस का इन्फिनिटी तक। मतलब कि यदि मैं इसको इंटरवल के रूप में लिखूं तो ये जो x है ये कहां बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल्स के बीच में, यानी कि 3 से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इन्फिनिटी के तरफ मैंने कैसे मन से यहाँ पे ओपन इंटरवल का साइन बना दिया, तो याद रखिएगा कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या बताया था मैंने, कि ओपन इंटरवल में जो वैल्यू रहती है उसे हम इंक्लूड नहीं करते, हमें इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं मालूम कि वॉट इज द इन्फिनिटी, दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ओपन इंटरवल। तो ये देखिए ध्यान से फिर से बता दे रहा हूं, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3, यानी कि x किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। x जो है वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। तो 3 क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक आ रही है। दूसरा क्वेश्चन 4x-12 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। हमें उससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम बाकी चीजों को इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू उस तरफ भेजेंगे, माइनस का 12 है उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। फिर हमें मालूम है कि हमें x के साथ जो भी कॉफिशियंट रहेगा उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो ये हमने देखिए दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद 4 से 4 कैंसिल, x लेस देन इज इक्वल टू 4, 3 जा 12। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन इज इक्वल टू 3। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊ, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखिए ये यदि मेरा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, गौर से देखिए क्या है, x की वैल्यू इस बार कम है। याद रखिएगा जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा कहलाता है। तो x की वैल्यू कम है किससे, 3 से, और 3 के बराबर भी है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल का उपयोग हमें करना है। जो x की वैल्यू है वो 3 भी है, हाँ 3 भी है, लेकिन 3 से कम, 3 से कम कौन होता है, 2, 2 से कम कौन होता है, 1, 1 से कम कौन होता है, 0, और ऐसे ही चलते चले जाओगे तो कहां तक, माइनस का इन्फिनिटी तक। यानी कि यदि मैं बोलूं तो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है कहां पे, ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, ठीक। तो आप गौर से देख सकते हैं कि x कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। तो यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा
और लेकिन जो मैं वीडियोस लाऊंगा वो आपको पता चल पाए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आपको एक काम करना जरूरी है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि यदि आप उसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। तो यही था आज का टॉपिक, मैं और ऐसे लाता रहूंगा। बीएससी एमएससी को भी मैं देख रहा हूँ, तो थैंक यू।